नाराजगी कहाँ था, कब था नाराजगी? आपने कहा कि मैं अरे दुश्मन द्वारिका चला जाऊंगा, वो मुहावरा है, संगठन को मजबूत करूंगा, ये मैंने कहा था। संगठन को जा करके आगे स्टेट में उसको मजबूत करूंगा। पूर्वे जी को लेकर जो घमासान, राजनीति छोड़ दूंगा हम लोग, पूर्वे जी को लेकर जो घमासान। अरे पूर्वे जी हमारे चाचा हैं, उनको अभी हमने केक खिलाने का काम किया है, और चाचा भतीजा में पारिवारिक चलते रहता, उससे कोई भेदभाव नहीं रखने का बात है। लड़ाई नहीं लड़ेगा तो कैसे होगा? आगे दोनों भाई मिलके तभी ना पैसा मिलेगा, लेमचूस मिलेगा। माने आगे आगे दोनों भाई 2019 के लेकर एकदम तैयार, 2019 को लेकर के हम लोग पूरा भिरंत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं दोनों भाई। और इस तरीके का कोई बात नहीं है, और इस तरीके का हर गंडा आरएसएस भाजपा वाले में खुद फूट हो रहा है। लास्ट आपसे, छोटे भाई की शादी कब कराइएगा तेज प्रताप जी? छोटे भाई की शादी कब कराइएगा? छोटे भाई का शादी अब बहुत जल्द, हम लड़की खोज रहे हैं, बहुत सुंदर लड़की। तो साफ तौर पर कब, मैंने कब तक हो जाएगा लगभग? जब होगा तो आपको सबसे पहले सूचना देंगे, आप आइएगा मिठाई खाना। तो साफ तौर पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का कहना है कि दोनों भाई की एकता जो है वो अटूट है, और आप देख सकते हैं कि दोनों भाई एक साथ, और तेजस्वी यादव ने बड़े भाई को जिस तरह सम्मान दिया जाता है उस तरह वो सम्मान दिए हैं, और आगे जो है आगे बड़े भाई को उन्होंने बैठाया है और एकता का परिचय दिया है। महाभारत का ये रथ है, इस महाभारत के रथ पे इसका सारथी हम है, तभी मैं ड्राइविंग करूंगा, इस सीट पे बैठेंगे। तो आप ड्राइविंग करेंगे? आप करें, आप मोहन सारथी बने थे कि नहीं जी? तो तभी उतरेंगे, आइए। और आप देख सकते हैं ये आज से चालू होगा, आज से। अब अभी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब जो जिस तरह रथ है, पहले जमाने में जब राजाएं रहते थे तो रथ रहता था, लेकिन अब गाड़ी ही है। अब देखिए तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी को आगे आगे बैठाए हैं, उन्हें टोपी पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वो टोपी पहना रहे हैं, ये आरजेडी का, और खुद वो ड्राइविंग करेंगे और उनको लेकर जाएंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि पार्टी में जिस तरह से बातें आ रही हैं वो सब वैसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और तेज प्रताप यादव ने एक चीज़ कहा है, लालू यादव की तरह उन्होंने कहा है कि वो एक मुहावरा है, और वो लोगों को ऐसे कहें। आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है अब धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, और खुद तेजस्वी यादव अब लड़ाई के मैदान में हम जा रहे हैं, आज से लड़ाई चालू हो गया है। उसके बाद तीर कमान इनके पास है, अब मेरे एक इशारे पे पूरे दुश्मनों को धराशाही करने का काम करेंगे। तो अब आज से लड़ाई शुरू हो गया। ये तस्वीर है दोनों भाई की कि